एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए सिलिकॉन वैली में मौजूद मोस्ट ब्रिलियंट लोगों को इस्तेमाल करता है, जिन प्रोडक्ट्स में से मोस्ट पॉपुलर गैजेट है आईफोन और आईफोन के न्यू अपडेट के बारे में सोचने वाली टीम, जिसे एप्पल पब्लिक के सामने अपने इवेंट्स में शो करती रहती है। बट उन लोगों का क्या जो कैलिफोर्निया में डिजाइन प्रोडक्ट को चाइना में असेंबल करते हैं? चाइना में मौजूद ऐसी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्क फोर्सेस में से एक हैं, जिनकी मदद से एप्पल एवरी डे 250,000 आईफोन्स को मैन्युफैक्चर कर पा रहा है। एंड ऐसी ही फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर से जुड़ी काफी स्टोरीज आपको इंटरनेट पर ही नहीं बल्कि न्यूज चैनल्स पर भी सुनने को मिली होंगी। बट रियलिटी में इन सभी वर्कर्स की लाइफ कैसी होती है? सो इस वीडियो में हम ऐसे ही वर्कर्स की डेली लाइफ को फ्रॉम इनसाइड एन आईफोन फैक्ट्री देखेंगे। ऑल्सो एप्पल ब्रांड से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि वाई एप्पल रिमूव ग्लोइंग एप्पल लोगो फ्रॉम मैकबुक, या फिर अदर आईफोन रिलेटेड वीडियोस का लिंक इस वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो प्लीज वॉच देम एंड लीव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑलराइट, यदि आप ये वीडियो एक आईफोन या फिर किसी एप्पल प्रोडक्ट पर वॉच कर रहे हैं तो 50% चांस है कि आपका ये आईफोन चाइना के ज़ोनचो में मौजूद फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की टीम ने असेंबल किया होगा। चाइना के इस एरिया में अवेलेबल फॉक्सकॉन नाम की कंपनी वर्ल्ड में राइट नाउ मौजूद 50% आईफोन को असेंबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीनिंग 350 आईफोन्स को एवरी मिनट असेंबल करना। एंड इतने बड़े नंबर को अचीव करने के लिए फॉक्सकॉन कंपनी ने एप्पल के डिवाइसेस के लिए अपनी कंपनी में नियरली 350,000 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, जिनमें से मोस्टली फैक्ट्री के आसपास मौजूद छोटे विलेजेस के रहने वाले लोग हैं एंड अदर्स काफ़ी दूर जगहों से बेटर लाइफ की खोज में आए लोग, जो ऐसी बड़ी सिटीज़ में अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बनाने के लिए ऐसी फैक्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं। ऐसी फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले प्रीमियम गैजेट्स ज़रूर बनाते हैं, बट इन सभी वर्कर्स को 24 आवर्स रनिंग फैक्ट्री में कम सैलरी पर काम करवाया जाता है, जो ऑलवेज न्यू वर्कर्स की सर्च में होते हैं, जिनमें लोकल गवर्नमेंट भी ऐसी फैक्ट्रीज की हेल्प करती है, जहाँ से न्यू वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद ऐसी फैक्ट्रीज के गेट पर डेली वर्किंग आवर से पहले और शिफ्ट ओवर होने के बाद टैक्सी या फिर बस की मदद से पहुंचाया और ले जाया जाता है। एंड भले ही ऐसी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की डिमांड ज़्यादा है, बट यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के अकॉर्डिंग ऐसी जॉब्स काफ़ी बोरिंग हैं एंड ऐसी फैक्ट्रीज में जस्ट 1 ईयर काम करने के बाद ही ये सभी वर्कर्स खुद को काफ़ी थका हुआ फील करते हैं। ऐसी फैक्ट्रीज में मोस्ट डिमांडिंग जॉब है असेंबली लाइन, जहां पर वर्कर्स को एवरी न्यू आईफोन को रेडी करने में लगभग 400 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें सिंपल से सिंपल टास्क भी इंक्लूडेड होता है, जैसे कि ब्रांड न्यू आईफोन में जस्ट एक सिंगल स्क्रू लगाने से लेकर आईफोन की स्क्रीन को क्लीन करने तक, जिसके बाद फाइनली एक प्रीमियम क्वालिटी आईफोन रेडी होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी फैक्ट्रीज के वर्कर्स का काम अभी ओवर नहीं हुआ है, बिकॉज एक आईफोन के बनने के बाद उन्हें लाइन में मौजूद नेक्स्ट आईफोन, देन नेक्स्ट आईफोन, देन नेक्स्ट 1000 आईफोन्स को अपनी शिफ्ट ओवर होने तक असेंबल करते रहना है। एंड ऐसी फैक्ट्रीज में वर्क टाइम के चांसेस और भी इंक्रीज हो जाते हैं जब वर्कर्स को एक्स्ट्रा ओवर टाइम करने के लिए कहा जाता है। नॉर्मली ऐसी फैक्ट्रीज में वर्किंग टाइम 8 AM टू 5 PM 6 days a week होता है, जिसमें वर्कर्स को 1 घंटा लंच करने के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है एवरी मॉर्निंग 7 AM वर्कर्स का अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकलने से, जिसके साथ फैक्ट्री वर्कर्स रास्ते में पड़ने वाले स्ट्रीट वेंडर से अपने लिए ब्रेकफास्ट परचेज करने के साथ खाते हुए फैक्ट्री पहुंचने तक, जिसके बाद फाइनली फैक्ट्री वर्कर्स अपने शिफ्ट की शुरुआत करते हैं। देन लंच के टाइम पर वर्कर्स मोस्टली कंपनी के कैंटीन से ही अपने लिए लंच परचेज करते हैं या फिर अपने लिए मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट के साथ लंच लेते हुए आते हैं। एंड सिंस इस तरह के बोरिंग वर्क फील्ड में मोस्टली यंग जनरेशन इन्वॉल्व होती है, इसलिए शिफ्ट ओवर होने पर फैक्ट्री से फ्री होने के बाद वर्कर्स अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए लोकल रेस्टोरेंट जाते हैं। ऐसी लाइफस्टाइल के कारण ये सभी वर्कर्स इजीली एवरी मंथ अराउंड 4000 टू 5000 रुपीस लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर पर स्पेंड करते हैं। इसलिए इस तरह की हाई स्पेंडिंग एंड डिफिकल्ट लाइफस्टाइल के कारण वर्कर्स फैक्ट्री के ओवरटाइम का एडवांटेज लेना प्रिफर करते हैं,
एंड 5 PM ओवर होने वाली वर्क शिफ्ट की जगह वर्कर्स फैक्ट्री में ही 10 PM तक ओवर टाइम करते रहते हैं ताकि वो मंथ के एंड में अच्छा सैलरी अमाउंट रिसीव कर सकें, जिसके बाद एटलीस्ट 12 PM तक ओवर टाइम करने के बाद फैक्ट्री वर्कर्स सिंचेन के पापा की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स करते हैं या फिर वीडियो गेम्स प्ले करने के बाद अपने घर जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे फिर से सेम डे एंड सेम रूटीन को 7 AM से सैटरडे तक रिपीट करना शुरू करते हैं। देन फाइनली संडे आने पर वर्कर्स आसपास मौजूद अपने फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स के घर मिलने जाते हैं। इस तरह की डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के बाद एंड 6 days a वीक फ्रॉम 8 AM टू 10 PM वर्क करने के बाद मंथ के एंड में वो दिन आता है जिसका इंतज़ार फैक्ट्री वर्कर्स एवरी मंथ की स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं, वो दिन जब सभी वर्कर्स को उनकी मेहनत की सैलरी रिसीव होती है। बट इस तरह की फैक्ट्री में फ़ोन असेंबल करने वाले वर्कर्स की असेंबली कितनी होती है? वेल, चाइना में इस तरह की फैक्ट्री में किसी भी न्यू वर्कर को 1900 yuan या फिर 22,000 Indian rupees एवरी मंथ पे किए जाते हैं, लेकिन इस सैलरी में वर्कर्स का ओवरटाइम इंक्लूड नहीं होता। सो विद एक्चुअल सैलरी एंड 20 hours ओवरटाइम एवरी वीक काम करने के बाद वर्कर्स टोटल 40,000 Indian rupees अर्न कर पाते हैं। एंड नाइट शिफ्ट करने वाले वर्कर्स इस अमाउंट से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, बट इस तरह के ऑलरेडी बोरिंग काम के बाद नाइट शिफ्ट सभी वर्कर्स के लिए बेस्ट डिसीजन नहीं होता। एंड भले ही ये सैलरी हम इंडियंस को सुनने में ठीक ठाक सैलरी जितनी लग रही है, बट मंथली एक्सपेंसेस को हटाने के बाद इन सभी वर्कर्स के पास ना के बराबर ही सैलरी बचती है। एंड इस तरह के रीज़न की वजह से ही ऐसे वर्कर्स अपनी हेल्थ एंड सोशल लाइफ को अवॉइड करते हुए अपना एक्स्ट्रा टाइम फैक्ट्री में काम करते हुए स्पेंड करना ज़रूरी समझते हैं ताकि वो मंथ के एंड में कुछ एक्स्ट्रा सेविंग कर सकें। एंड अगेन, अपने मंथली एक्सपेंसेस को कम करने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स फैक्ट्री के पास ऐसे मौजूद घरों में रहते हैं जिसका रेंट तो ऑब्वियसली कम होता है, बट लिविंग कंडीशन नॉट सो गुड, बिकॉज इस तरह के घरों के कम रेंट का रीज़न है एक रूम को 8 other वर्कर्स के साथ शेयर करना, जो 20 hours का वर्क शिफ्ट करने वाले वर्कर्स की लिविंग कंडीशन को और भी बुरा बना देता है, जिसे अवॉइड करना इन वर्कर्स के लिए इम्पॉसिबल होता है। बिकॉज इन वर्कर्स के लिए रहने के लिए एक बेटर रूम को रेंट पर लेने का मतलब है अपनी फैमिली को नेक्स्ट मंथ कम पैसे भेजना, जिसे अवॉइड करने के लिए इन सभी वर्कर्स को ऐसे एरियाज में रहना पड़ता है। ऐसी फैक्ट्रीज में काम करने वाले हार्ड वर्किंग वर्कर्स के कारण फॉक्सकॉन और एप्पल जैसे ब्रांड्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, बट रियलिटी ऑलवेज ऐसे वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है जिनकी लाइफ इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिपेंड करती है। आपके अकॉर्डिंग ऐसे चाइनीज वर्कर्स की लाइफ इंडियन वर्कर्स की लाइफ के कंपैरिजन में कैसी है? शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक एंड वीडियो सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड ऐसे ही सिमिलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू फैक्ट्स प्रूफ YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।